हेलो किड्स किड्स, टुडे फर्स्ट वी विल रिसाइट अ पोयम। और बेटा आज जो हम पोयम करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है इतनी सी बात का इतना बड़ा गुस्सा। बेटा गुस्सा आपको आता है ना? कभी कभी जब कोई हमारा काम नहीं करता तो हमें गुस्सा आ जाता है, आता है ना? तो आज की जो हमारी कविता है उसका शीर्षक भी क्या है? इतनी सी बात का इतना बड़ा गुस्सा। तो चलिए अब हम अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। इतनी सी बात का इतना बड़ा गुस्सा, इतनी सी बात का इतना बड़ा गुस्सा, क्या हुआ जो मम्मी ने सुबह ही जगा दिया, क्या हुआ जो पापा ने कमरे से भगा दिया, चाचा ने चिज्जी में से मांग लिया हिस्सा, इतनी सी बात का इतना बड़ा गुस्सा, क्या हुआ जो दादी जी ने खा लिया तुम्हारा आम, क्या हुआ जो दादा जी ने नहीं किया तुम्हारा काम, इतनी सी बात का इतना बड़ा गुस्सा, प्यार भरी बातों से खत्म करो ये किस्सा, इतनी सी बात का इतना बड़ा गुस्सा। इतनी सी बात का इतना बड़ा गुस्सा, क्या हुआ मम्मी ने जो सुबह ही जगा दिया, क्या हुआ पापा ने जो कमरे से भगा दिया, चाचा ने चिज्जी में से मांग लिया हिस्सा, इतनी सी बात का इतना बड़ा गुस्सा, क्या हुआ दादी जी ने खा लिया तुम्हारा आम, क्या हुआ दादाजी ने किया नहीं तुम्हारा काम, प्यार भरी बातों से खत्म करो ये किस्सा, इतनी सी बात का इतना बड़ा गुस्सा, इतनी सी बात का इतना बड़ा गुस्सा, इतना बड़ा गुस्सा। तो बेटा कैसी लगी आपको ये कविता? और आपको इस कविता की प्रैक्टिस करनी है। चलिए बेटा अब हम अपना रिटेन वर्क स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन टुडेज डेट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड टुडेज डेट इज 3rd of December 2020, means 03.1212. बेटा here 1 to 12 means month of December. December is the 12th month of the year. That's why we will mention here 1 to 12.2020. And just opposite side is right hand side, and here we will mention Likhit Karya. In second line we will mention today's heading, and today's heading is चित्र देखकर नाम लिखो। बेटा आज हम एक ही मात्रा के कुछ चित्र बनाएंगे और उसके बाद उनके नाम लिखेंगे। बेटा फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ राइट ओपन कर्व फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल ड्रॉ अ राइट ओपन कर्व लाइक दिस, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहां से हम हल्की सी स्लेंट लाइन बनाएंगे, ओके। देन फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल ड्रॉ लेफ्ट ओपन कर्व लाइक दिस, और इसके बाद यहां से बेटा हल्की सी स्लेंट लाइन बना के इसको यहां टच कर देंगे। देन फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल ड्रॉ अपवर्ड कर्व्ड लाइन लाइक दिस, और यहां से भी हम क्या बनाएंगे, अपवर्ड कर्व्ड लाइन बनाएंगे इस तरह से। एंड हियर वी विल ड्रॉ स्मॉल सर्कल, ओके। देन हियर, फ्रॉम हियर वी विल ड्रॉ लीफ, यहां एक हम क्या बनाएंगे, पत्ती बनाएंगे, ओके, लीफ बनाएंगे इस तरह से छोटी सी, ये देखिए। तो बताइए बेटा ये किसकी तस्वीर बनी, क्या बनाइए? यस, एप्पल, यानी कि सेब। और सेब आपने खाया है ना, सेब एक फल है, आपने खाया है, रेड कलर का होता है, और सेब खाने से हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है। तो किसकी तस्वीर है ये, सेब की तस्वीर है, सेब, सेब। और समी कौन सी मात्रा आ रही है बेटा, एक ही मात्रा आ रही है, सेब सेब। बेटा नेक्स्ट पिक्चर, फर्स्ट वी विल ड्रॉ टू स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस, दिस एंड गिव सम स्पेस, एंड देन अगेन वी विल ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन, ओके। देन हियर
we will draw a sleeping line like this. इसके बाद हम यहाँ क्या बनाएंगे बेटा, V बनाएंगे इन दोनों लाइंस के बीच में इस तरह से विद द हेल्प ऑफ स्केल. ओके, लाइक दिस. देन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द लाइन वी विल ड्रॉ राइट ओपन कर्व्ड लाइक दिस. देन फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल ड्रॉ डाउन ओपन कर्व्ड लाइक दिस. एंड देन फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट we will draw left open curved and touch this line. तो किसकी तस्वीर बनी बेटा ये बताइए, क्या बन गया ये? एक पेड़ बन गया. क्या बना ये? एक पेड़ बना. पेड़, पेड़. और पेड़ हमें क्या देते हैं? ताजी ताजी हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, देती है ना. तो क्या है ये? पेड़, पेड़, पेड़. पेड़, 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 पेड़. और प में कौन सी मात्रा आ रही है बेटा? ए की मात्रा आ रही है. और जैसे ए की मात्रा लग रही है हम इसे क्या बोल रहे हैं? पे. और हमें साउंड किसकी सुनाई दे रही है? इंग्लिश के अल्फाबेट ए की साउंड सुनाई दे रही है. पेड़, पेड़. बेटा थर्ड पिक्चर. फर्स्ट वी विल ड्रॉ स्लीपिंग लाइन फ्रॉम हियर विद द हेल्प ऑफ स्केल. यहां से एक छोटी सी हम क्या बनाएंगे? ये स्लीपिंग लाइन बनाई. ओके, देन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द लाइन वी विल ड्रॉ अ डाउनवर्ड स्लेंट लाइन लाइक दिस. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द लाइन अगेन वी विल ड्रॉ अ डाउनवर्ड स्लेंट लाइन लाइक दिस. एंड देन वी विल ज्वाइन दीज टू लाइन्स विद द हेल्प ऑफ दिस स्लीपिंग लाइन like this. Okay, then from this point we will draw two standing line downward standing lines like this. beta humne pehle ek line draw ki, fir uske paas thodi si dur ek aur humne standing line draw ki. Okay, and here yahan se hum kya banayenge? ek chota sa curved banayenge. and from this point again we will draw two standing lines, one and here two, and draw a small curved and join these two lines. And from here, from this point again we will draw two standing lines, and from here draw a small curved, and here this point again we will draw a small standing line, two standing lines, draw a curved. तो बेटा ये किसकी तस्वीर बनी? क्या बन गया ये? मेज, मेज, मेज. और बेटा मेज किस काम आता है? मेज में रख के हम बहुत सारे काम करते हैं. जैसे हम अपना कोई भी रिटन वर्क कर रहे हैं तो अपनी बुक्स को कहाँ रखेंगे? मेज के ऊपर रखते हैं, रखते हैं ना. तो मेज, मेज. मे, अब मामी कौन सी मात्रा आ रही है बेटा? ए की मात्रा. ये देखिए, मेज, 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 मेज. तो किसकी तस्वीर है ये? मेज की. नो बेटा लास्ट पिक्चर. अब देखिए, फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल ड्रॉ कर्व्ड. यहां से हम छोटा छोटा कर्व सर्कल बनाएंगे इस तरह से. ये देखिए इस तरह से. तो ये क्या बन रही है बताइए? किसकी तस्वीर बनी ये? क्या बन गया ये? यस, जलेबी. क्या बने ये? जलेबी, जलेबी, जलेबी. और जलेबी तो खाई है ना आपने? गोल गोल होती है, येलो कलर की होती है, या ऑरेंज भी होती है. खाई है ना जलेबी? जलेबी, जलेबी, ज ले. अब ल में कौन सी मात्रा आ रही है बेटा? ए की मात्रा. और ब में कौन सी मात्रा लगा रहे हैं हम? ई की मात्रा. और इसे हम कैसे बोल रहे हैं? लंबा खींच के बोल रहे हैं. जलेबी, जलेबी. तो क्या है ये? जलेबी. एंड किड्स, नीटली ड्रॉ द पिक्चर. ओके, आपको बेटा पिक्चर्स बहुत नीटली ड्रॉ करनी है और कलर भी बहुत अच्छा अच्छा फिल करना है. ओके, एंड बेटा स्पीक एंड राइट. जो भी आप लिख रहे हैं
उसे बोल बोल कर लिखेंगे। इससे क्या होगा, हमें मात्रा की प्रैक्टिस होगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।